नजर नहीं आएगा फिर, नजर नहीं आएगी। हाँ वो इसीलिए Hello. Touch me not. Hello, Alisha. Thank you.
像You want to see a picture? लेकिन मुझे पहले ले ले तो दो इसकी फोटो तुम लोग बीच में अच्छा ये दो Where do you want to put the candle? Where do you say we should put the candle? Here? Let me put this. नहीं? Let me light it. नहीं नहीं बस नहीं दबाओ उसको. हाँ हाँ उसको जल्दी तो दो. क्या खतीजा तो तुम लोग की कजन होती है हम लोग की कजन थोड़ी होती है हमारी तो आंटी होती है इसकी मम्मी के देखो नहीं आएगा तू निकाल ले हाँ निकाल लो निकाल लो थोड़े से यूँ हो जाओ ना ये आ नहीं रही है निकल सकती है हाँ निकल रहा है ना रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम लोग भी तो जाओ वहाँ ले भाई Perdón. Red ho gaya.
हाँ हाँ बंद कर बस सही है चलने दे चलो भैया थैंक यू थैंक यू लिया सही पिक्चर लिया हाँ चेक करो काफी है थैंक यू एडवांस ये मूवी वाला बन रहा है शादियाँ में मूवी बनाएगा जी अरे चेक करो ये वो वाला सीन आ रहा है इसका पीछे बोलो ओम शांति ओम शांति ओम वाला मेरा तो एक ले लो यार लेकिन आओ ना सामने आओ ना मिनी केक लो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू दैट्स इनफ दैट्स इनफ हैप्पी बर्थडे अलीशा हैप्पी बर्थडे अलीशा ओके टेक इट व्हिच वन Salim is taking up your photo. What do you want? Take it, na? Take it, na? Take it, take it. Such a big one. Alisha. Alisha. What are you holding? Balloon. Balloon. I can see your face. Here. Say hello to daddy. Hello. Hello to daddy. What do you call your daddy? Akil. Akil? Look, Akil. She's calling you Akil. Should we call him daddy? Hello? Daddy. 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 You missing your daddy? No. No, you're not missing your daddy. Are you sure? Daddy is not in Pakistan. No. Then where is he? Where is he then? He's in Dallas. He's in Dallas. And you are here. कितने हैं बी केयरफुल Where are you going? Where are you going? I'm up here. I'm up here. Okay, okay. I can see you. Yeah. Yeah, I can see you. Yeah. Thank you.
अभी तो निकाला क्या है ये सलीम तो सब बच्चे लोग का मामू ही है हाँ सबका मामू है Hello.
अगर एक शख्स दुकान खरीदना है तो दूसरा आदमी आता है और दबा देता है, इससे उस आदमी की रोटी भी बंद हो जाती है और गरीब को नुकसान पहुँचता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको हजारी बिल्कुल नजर नहीं आ रही, ये सब कुछ हमारी गलतियों की वजह से हो रहा है। अगर हम चाहें तो हम अपने मुल्क को भी साफ रख सकते हैं, अपनी जमीन को भी, जिस तरह हम अपने घर को, अपने आप को साफ रखते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को भी साफ रखें। नेता को जो आपकी समाज के तारे हैं, इसका टॉपिक है नवासी भाव। आइए के सर, पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी समंदर हो, पानी समंदर, नदियाँ, नहरों, झीलों, नदी नालों और जमीन और जमीन की तह में मौजूद है। कारखानों, फैक्ट्रियों और रिहायशी इलाकों के जरिए पानी में रहती है और गंदे पानी बहुत मिली है। जो साथी तमाशी तालिबे हैं, इनका टॉपिक है जमीन पर, दुनिया और आग पर। आइए सर, दुनिया और आग पर, हम जिस दुनिया में रहते हैं और इसी की हिफाजत नहीं करते, जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी, वो एक जमीन की शक्ल में हमारे पास है। दुनिया की जिंदगी एक खेल और तमाशा है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको सही करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये सिर्फ मुसलमान पर नहीं, पूरी दुनिया पर फर्ज है। शुक्रिया। तो साथी जमात के साथ हैं, इनका टॉपिक है जमीन की हिफाजत करना और हरियाली का ख्याल रखना। आइए, और शराब होते हैं, इससे हमारे लिए बहुत से फायदे हासिल होते हैं। मतलब हमारे खाने में खाने के कैल्शियम होगा, हमारे लिए मुहैया करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और हमारे लिए बहुत से बहुत आराम है और आप शरण को शरीरदारी करना सबसे जरूरी है। आप शरण को शरीरदारी बहुत पसंद है, हमें चाहिए कि हम अपने शहर को साफ सुथरा रखें और ज़्यादा गर्म करें। तो जो साथी जमात के साथ हैं, उनका टॉपिक है जमीन को तोड़ फोड़ से बचाना। आइए नूरा जी। हमारी ये जमीन अल्लाह ताला की नेमत है, हमें चाहिए कि हम इसका ख्याल रखें और इसे नुकसान ना हो जाए। दुनिया में आबादी बढ़ने की वजह से गर्मी में इजाफा हो रहा है, जिससे बर्फीले इलाके पिघल रहे हैं और इसका पानी समंदर में शामिल हो रहा है, इससे समंदर के पानी में इजाफा हो रहा है और यही पानी हमारे जमीन को नुकसान पहुँचा रहा है। लोग अपनी ही जमीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं और अपनी की लापरवाही की वजह से दुनिया में आलूगी बढ़ रही है और लोग जगह जगह कचरा फेंक रहे हैं, जिससे हमारी जमीन को नुकसान हो रहा है। और अपनी जमीन और किसी जमीन को नुकसान हो रहा है। इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका दिल पत्थर हो चुका है और वो अपनी और हमें चाहिए कि हम अपनी जमीन की हिफाजत करें और इसे साफ रखें क्योंकि ये जमीन अल्लाह ताला की नेमत है। वो ये है कि जमीन की हिफाजत करना और हरियाली का बहुत ख्याल रखना। आइए नेहा।
कोशिश करो थोड़ा काम सब बैठ के करो तो एक जैसा आएगा, वरना बहुत ज़्यादा वो होता है। सना बैठ जाओ बेटा, बैठ के कर लो। नहीं हाँ, ताकि वो एक एक उसमें आए ना बेटा। मिलाद का सारा काम बैठ के करो ताकि सही से आ जाए आप लोगों का। इसकी बैटरी लोएगी।
हाँ बेटा नहीं मैंने बोला ना वो बैटरी लाएगा सलमान को लेने के हाँ एक फोटो निकलेगा हाँ नहीं निकल रहा है ना ये सेल काम नहीं कर रहा है Miss!
इसको यहाँ पारी पे लगाना था, इस तरह करके देखो क्या चीज़ से लगा सकते हो। आपकी इस बारह मजलिस में मुझे जिस मौजू पर खुश कहने की दावत दी गई है वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सत्रह ग्रामी खातिमुल अंबिया की सीरत और किरदार से कौन शख्स वाकिफ नहीं, आपकी अजमत किरदार की गवाही खुद कुरान देता है। तर्जुमा बस तहकी रसूलुल्लाह की सीरत और सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। आज से 14-25 साल पहले जब आपका बिन नबूवत शुरू हुआ था, अरब की सरजमीन जहालत के घटाटों पर देरों में गिर हुई थी। तहजीब व तमद्दुन और शराफत और अजमत का कहीं नामो निशान न था। भाई भाई के खून का प्यासा था। बेटियों की पैदाइश को इस मास्टर ने सख्त मायूस समझा जाता था। अतः इंसान और जो उनके पसंदीदा खेल थे, भरी महफिलों में गुलामों को दरिंदों से पढ़वाया जाता था। वो लोग शराब के छलकते हुए जामों के जिंदादा थे। छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकल आती थी जो सारा घर चलती थी। अलग ये लोग कभी भी इंसानी के बनाए जाने के मुस्तैद न थे। फिर जोत में आई और अब रहमत इस कुत्ते की तरफ पड़ा। इस सरजमीन अरब मुबारक को पूरे दुनिया के मुहम्मानों ने रद्द कर दिया था, मगर एक यतीम बच्चे ने ना जाने जिस पर क्या आंसू पड़ा, पढ़ दिया कि मौजूदा दुनिया की तहजीब व तमद्दुन जिस पर रखी गई। और आपके अल्लाह ताला ने एक नूर मुजस्सिम उन लोगों में आया किया जिससे मशरिक व मगरिब चमक उठे। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुराद गरीबों की बरसाने वाला। एक फारसी माशरे में आपकी पैदाइश ऐसी ही थी जैसे बड़े कांटों में फूल। आप ऊपर से पहले भी इन जायदा नसल बर्तनों को पसंद ना फरमाते थे और बुराइयों को चढ़ते और मारने का तरीका रखते थे। वाला आते अल्लाह ताला ने आपको 40 साल की उम्र में मकसद नबूवत पर सर फराम फरमाया और तमाम इंसानी की इस्लाम का जिम्मा दिया गया। आपकी मुखातिब सारी दुनिया की, जब आपने लोगों को बुरी बातों से छोड़ने का हुक्म दिया और सबको एक खुदा की तरफ बुलाया तो आपकी मुखालिफत शुरू हो गई। मुशरिकीन मक्का ने तरह तरह से आपको सताया, पूरे अस्बाबात और गालियों से नवाजा गया, दीवाना मजनू और जादूगर कहा गया। फिर माजी और समाजी बहकार किया गया, पत्थरों से जख्मी किया गया। आपके नाम जबिल्ला पत्थर के मंसूबे बनाए गए, मगर फिर भी आपके पास इस्तकलाल में जुम्मत ना हुई और बदस्तूर इस काम में लगे रहे। आपने अपने अपराध रखने की बदौलत अपने दुश्मनों का दिल मोह लिया और वो लोग आपके जानकार बन गए। बस आपके रजा तारा ने आपने एक साल की पहले मुद्दत में उन झटियों को खुदा का इस्तकलाल बना दिया। ये आपकी इस्तकामत और सशक्त और खुदा रजा का नतीजा था। फिर इसी कौम से बड़े बड़े काम कर रहनुमाए मिलत उठे और आपका व्यवहार सारी दुनिया में पहुँचाया। अगर तुम तालिबिलम हो तो जिब्राइल अमीन के तालिबिलम को देखो। अगर वालदेन हो तो फिर फातिमा को याद रखो। अगर बादशाह हो तो सच्चाई दो जहाँ की सीरत को देखो। अगर आयत हो सरजमीन मक्का के बाशिंदे की जिंदगी का मुताला करो। अगर कैदी हो तो शुअब अभी तारीख के कैदी को न भूलो। अगर तुम जहाँ में भी हो तुम्हारे लिए बेहतरीन राय अमल और मशवरा गुरु रखना सोचना की सीरत मुरसले दावर आसमायम भर।
Ikan nabi itu bersaja, ikan bala anmon, kata kabur.
मायूस ना हो ये मेरे लजपाल का डर है।
एक ही नहीं है क्या, एक ही तस्वीर है क्यों? Mom!
को बुलाते हैं। Thank you.
Oh, God.
اب سب لوگ اپنے اپنے لیے دعا مانگیں۔